हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिकटेक। तो फाइनली मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। बहुत दिनों से रिव्यू में अटका हुआ था, दो बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हुआ था, नहीं हो पाया था। इसके पहले मैंने वीडियोस भी बनाए थे क्यों नहीं हुआ है, तो मुझे फाइनली रीजन पता लग गया था क्या रीजन है। मेरा एक पहले भी चैनल था, वो मलिकटेक इन्फो के नाम से था, नवंबर के मंथ में मैंने बनाया था, उस पर काफ़ी वीडियो मैंने डाले थे। वो चैनल सस्पेंड हो गया था कुछ गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद, तो उसके कुछ वीडियोज़ थे मैंने न्यू चैनल पर डाल दिए थे। तो पहले ये रूल नहीं था कि आप अपने कॉन्टेंट को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन नवंबर के बाद एक जनवरी में फिर से एक नया अपडेट आया, अपने कंटेंट को रीयूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप दोबारा उस वीडियोस को जो पहले कभी चैनल पर डला चुका है यूट्यूब पे, उसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे सबके चैनल के रीज़न होते हैं, मेरा मेनली रीज़न यही था। आजकल यही रीज़न ज़्यादा चल रहा है सबका, रीयूज़ कॉन्टेंट का ही वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो मेरा भी इसी रीज़न से हुआ था, मुझे पता नहीं था। तो मुझे जब रिक्वेस्ट आया उसके बाद रिव्यू होने के बाद नॉट अप्रूव, तो उसको मैंने पढ़ा, उसके गाइडलाइन दिए हुए थे पूरे। तो चैनल आपका रीयूज कंटेंट की वजह से मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। तो मैंने सारे वीडियो लगभग 170,000 व्यू के 10-15 वीडियो से सबको मैंने हटा दिया। प्राइवेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको हटाना पड़ेगा। प्राइवेट भी करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप फाइनली अपने वीडियोज़ को हटा दें जो पहले चैनल पर अपलोड कहीं किया हुआ है, किसी का आप कॉपी किए हैं, तो मोनेटाइज नहीं होगा। यही मेन रीज़न है, तो मुझे लग रहा था यही रीज़न है, तो मैंने फट से हटाकर फिर से नया कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो अगले एक दो महीने में मेरे फिर से चैनल सब्सक्राइबर भी हो गए और वॉच टाइम भी। ऐसे पुराने वीडियो आप हटाते हैं तो सिर्फ व्यूज़ घटते हैं, वॉच टाइम तो आपको रह ही जाता है। तो आप नए कंटेंट फिर से बनाएं और फेस कैम के साथ बनाएं। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी आपको एक दो फेस कैम वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि अब मोनेटाइजेशन बहुत दिक्कत करता है। क्योंकि मैनुअली चेक होता है आपका चैनल कि आप कंटेंट ओरिजिनल बना रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप वॉइस बनाएंगे तो नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इससे अच्छा है कि अपना फेस कैम वीडियो बनाकर ही चैनल बनाएं तो अच्छा ज़्यादा रहेगा, जल्दी आपका मोनेटाइज होगा। ऐसे बाकी चैनल के अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं, तो मेन रीज़न आजकल यही चल रहा है रीयूज़ कॉन्टेंट का। तो अगर आपका कोई भी चैनल पर रीयूज़ कॉन्टेंट है, उसी वजह से आपका पेंडिंग बढ़ा होगा। आप देख लें कि किस चैनल पर आपका पेंडिंग बढ़ा। अगर आप दूसरा रीज़न भी ये हो सकता है कि आप मेटा डाटा मिसलीडिंग करते हैं, कभी कभी कोई लोग आप थंबनेल कुछ डाल रहे हैं, कंटेंट कुछ बना रहे हैं और टैग कुछ डाल रहे हैं, तो उसके वजह से भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। जब मेरा भी नहीं हो रहा था तो मुझे ही बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी कि नहीं मेरा भी नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम की वजह से नहीं। तो सबका होता है, अगर आप न्यू यूट्यूबर आप खुद समझ रहे होंगे कि नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। फाइनली हो जाने के बाद फिर आपको लगता है मेरी सारी गलती माफ़ हो गई, मैंने कुछ गलती नहीं किया था। तो इस वीडियो से मैं सही बताना चाह रहा हूँ, जो न्यू यूट्यूबर है तो आपके रीयूज कॉन्टेंट जितने भी उसको डिलीट कर दें। मेन रीज़न यही है कि रीयूज कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपका रिव्यू पेंडिंग में हो। मेरा दोबारा फिर रीअप्लाई किया था 28 दिन बाद, जब पहला बार रिजेक्शन हुआ था तो 28 दिन बाद रिप्लाई का ऑप्शन आता, तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। रिप्लाई करने के बाद 10 दिन के बाद फिर से मोनेटाइजेशन एक्टिव हो गया। फाइनली ये मैसेज आया था, आप देख सकते हैं इस तरह का मैसेज कि आपका अप्रूव हो चुका और ग्रीन सिग्नल भी बन जाता है डॉलर का आपके चैनल के सारे वीडियोज़ पे। तो आप लोग का अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, और फालतू वीडियो आप यूट्यूब पर ना देखें ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे फालतू वीडियोस होते हैं कि अपने अपने दिमाग लगाकर सब बताने लगते हैं, 15 वीडियो डालो जब आपका रीअप्लाई में चला जाए तो फेस कैम वीडियो बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ में बताते हैं फेस कैम वीडियो बनाना चाहिए, एक दिन में 4-4 वीडियो बना दो, 3-3 वीडियो बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो 3-3 2-2 दिन में एक वीडियो बनाया, हफ्ते में एक ही दिन वीडियो बनाया, क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तो मैं अपना धीरे धीरे एक एक वीडियो ही बना रहा था। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाना है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, टॉपिक सोचने में टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता देते हैं 4-4 वीडियो बनाओ, 2-2 वीडियो बनाओ। वीडियो बनाइए, आराम से बनाइए, एक हफ्ते में एक वीडियो भी आप बनाते हैं वो भी बहुत है। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि आप डेली एक वीडियो बनाए तभी वायरल होगा, ऐसा कहीं पर यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ नहीं है। तो फालतू यूट्यूबर बहुत सारे अपने व्यूज़ पाने के लिए बहुत सारे चीज़ बता देते हैं अपने तरीके से, जो यूट्यूब से कोई रिलेटेड नहीं होता है। जितने भी यूट्यूबर होते हैं सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या प्रॉब्लम उनके साथ हुआ, तो उसी से आप सीख सकते हैं। कोई एक्चुअल प्रॉब्लम किसी का नहीं होता है, यूट्यूब कभी बताता नहीं कि आपका प्रॉब्लम आपके वीडियोस में कहाँ पर एक्चुअली में है, लेकिन अब थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। पहला बार आपका मोनेटाइजेशन नहीं होता तो आपको लिख कर आ जाता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किस रीज़न की वजह से हुआ है। तो जनरली अभी रीज़न रीयूज कॉन्टेंट का ही चल रहा है, तो अपने चैनल को फिर से रिव्यू कर लें। अगर अभी तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, रीयूज कॉन्टेंट कोई है या नहीं है, उसको डिलीट कर लें और फेस कैम एक दो वीडियो ज़रूर बना लें। इससे ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि मैनुअली रिव्यू होता है तो ज़्यादा आसानी से आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। ऐसे फिर पेंडिंग में डाल दिया जाता है, वो कुछ ज़्यादा टाइम ले लेता है। ऐसे यूट्यूब अब जल्द से जल्द सभी चैनल को मोनेटाइज कर रहा है 10-15 दिन के अंदर। तो वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, आगे भी अब अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे आप लोग को।
जैसे पहले मिल रहे, और कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका यूट्यूब से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।